दरअसल पुलिस ने फायरिंग के प्रकरण में 1.5 साल से वंचित दानिश शेख को आखिरकार दर दबोचा। ज्ञात हो कि 15 मार्च 2020 को दनिश ने बंगाली पंजा में अपराधी वसीम शेख उर्फ चिड़िया तथा 10 से 12 साथियों की मदद से गैंगवार के चलते गुलाम पोटियावाला पर गोलियां दागी थी। इस हमले के बाद से दनिश फरार था। 1.5 माह पहले मोहसिन भुरैया पर गीतांजलि चौक पर फायरिंग की गई थी। इसके बाद पुलिस ने दनिश की नए सिरे से खोजबीन आरम्भ की थी। एक बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वह जाफरनगर स्थित घर आया हुआ है। पुलिस ने तुरंत की उसके घर के आसपास फील्डिंग लगा दी और दबिश दी। पुलिस को देखकर दनिश भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस ने पीछा करके उसे दबोच लिया। दनिश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 15-3-2020 को करीब 2 साल पूर्वी बंगाली पंजा में गुलाम रसूल पटियावाला उम्र 47 साल बंगाली पंजा, ये कुछ मेहमान के यहाँ से अपने घर लौट रहे थे। तब वासिम शेख उर्फ चिड़िया और दानिश अहमद और कुछ 10-15 लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग किया था, हमला किया था। इस बारे में पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 136/2020 कलम 143, 147, 149, 307 भादवी और कलम 325 आर्मी एक्ट दाखिल था। उस घटनास्थल से और उस दिन से इसमें जो आरोपी था, मुख्य आरोपी दानिश अहमद वर्द मुश्ताक अहमद मुकाम जाफरनगर पुलिस स्टेशन गिट्टी गदानी फरार था। हमारे प्रतप को कल ये सूचना मिली कि दानिश अहमद नागपुर में आया है और उस सूचना को हमने वर्कआउट करके उसको अरेस्ट किया है। दानिश अहमद एक कट्टर बदमाश है जिसके शहर के अनेक पुलिस स्टेशन में गुन्हे दर्ज है। उसको आज रोजी विद्यमान कोर्ट में पुटअप किया गया और उसका PCR लिया है। आगे की जाँच चलिए दानिश अहमद के ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में और गुन्हे दाखिल है, उसमें उसको अरेस्ट करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।